ओके okay, सो so, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को के मेरे चैनल में आने के लिए और मेरे चैनल का वीडियो और कंटेंट कंज्यूम करने के लिए मेरा एक क्वेश्चन था बहुत दिनों से कि मैं इंग्लिश में क्यों वीडियो कर रहा हूं और मैं हूं ज़्यादातर मैं इंडिया से हूं और मैं हूं बंगाल से तो मैं हिंदी बोल सकता हूं मैं हिंदी अगर कुछ मतलब हो जाए तो पढ़ उतना अच्छा नहीं सकता क्योंकि मैं संस्कृत लिया था सातवीं और आठवीं में मैं संस्कृत पढ़ा भी था पर उतना अच्छा भी नहीं था मैं तो ये कारण है कि क्योंकि आ, मैं हॉस्पिटलिटी के बैकग्राउंड से हूँ तो अगर आप हॉस्पिटलिटी बैकग्राउंड में जाओगे ना आपको बहुत ज़रूरत है इंग्लिश में बोलने के लिए ऐसे कि मैं दिखावा नहीं करता हूँ कि भाई मैं यूएस में हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में तो मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त और मेरे करीब का दोस्त भी मुझको बोला कि तुम तुम हिंदी में वीडियो करने के लिए कोशिश करो और उसके बाद देखो क्या होता है क्योंकि तुम्हारे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस तुम्हारे हिंदी हिंदी बोलते हैं तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदी में भी, भी वीडियो करूंगा और मैं देखिए मेरा एक्सेंट भी आ जाएगा अगर हिंदी बोलूंगा तो आप समझ समझ ही पाएंगे कि मैं नेटिव हिंदी स्पीकर नहीं हूं फिर भी चलिए छोड़िए वो वो बात छोड़िए तो मैं ऐसे ही हॉस्पिटलिटी और होटल मैनेजमेंट और मैं फाइनेंस का भी थोड़ा बहुत वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा क्योंकि देखिए मेरा जो मानना है अगर आप आ, स्कूल में ये लोग सिखाते नहीं है जब मैं अमेरिका आया अमेरिका आने के बाद एक एक मैं पहले ही उसका बारे में जान चुका था जब मैं लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहा था तो उसके बाद जान के लिए उसके उसके बुक पढ़ा मैंने, उसका गाड़ी जा रहा है सॉरी तो उसके बाद एक बुक पढ़ा मैंने आ, बुक का नाम था रिच डैड पुअर डैड उसमें रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि स्कूल में बच्चे लोगों को सिखाया नहीं जाता है कि पैसे कैसे संभाल के रखना चाहिए यूज कैसे करना चाहिए और टैक्स का क्या झोल है ये सब बहुत सारे चीज तो देखिए मेरा यही मानना है कि मैं हॉस्पिटलिटी और होटल मैनेजमेंट के साथ साथ भी सेल्फ एजुकेट मुझको मैं करूंगा क्योंकि देर इज अ इंजीनियर हिज नेम इज नवाल रविकांत हु सेज दैट हु इज ऑल्सो केम फ्रॉम इंडिया

ऐसे कि मैं ये ऐसा इतना वीडियो नहीं बनाता हूँ एज ए कैजुअल वीडियो और हिंदी में भी तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आप लोगों से मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं एक एकदम मतलब पिछले वीक में कोई वीडियो नहीं डाला था तो आ, मैंने सोचा कि यार मुझे डालना ही चाहिए क्योंकि इसलिए कि मुझे रूटीन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखिए पाँच दिन के लिए चला गया वैकेशन में उसके बाद वीडियो नहीं डाल पाए और आप लोगों से बात भी नहीं हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टू तो बी ऑनेस्ट ये ये वीडियो मैं हिंदी में कर पा रहा हूँ और अग, अगर हिंदी बुरा रहे तो कुछ कुछ पकड़ना मत बस बस बोल देना कि भाई कैसा था हिंदी और हाँ मैं हिंदी इंग्लिश मैं वीडियो करूँगा कि इंग्लिश बहुत ही जरूरी है मेरा यह मानना है कि मैं कुछ टॉपिक में वीडियो बनाने वाला हूं कि वो है कलिनरी के अंदर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर होटल मैनेजमेंट के अंदर क्योंकि मैं अपना वीडियो को रिलेवेंट रखना चाहता हूँ और मैं मेरा ऑडियंस को बहुत ही स्मॉल रखना चाहता हूँ ठीक है मुझे बिग ऑडियंस नहीं चाहिए एक मिनट फोन को ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा मुझे मुझे इतना भी बिग ऑडियंस नहीं चाहिए क्योंकि मैं कल ही एक बुक पढ़ रहा था उसमें ऑथर बोलता है कि देखिए आपको आपको समझ लेना चाहिए कि आपका ऑडियंस ऑडियंस कौन है आपका कंटेंट कौन देखेगा ठीक है अगर मैं सबके माफिक कंटेंट बनाऊंगा तो वो तो कॉपी हो जाएगा बॉस पर मे, मे, मेरे को पता है कि मुझे कौन सा वाला कंटेंट बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए कौन सा इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि आप लोगों को चाहिए कि ऐसे ऐसे ही मैं Uh, मुझे दो और तीन दिन पहले एक ई मिला यह भी एक ट्रू स्टोरी है दो और तीन दिन पहले ई मिला वो नाम था यूट्यूब में कुछ एडुकेशन चैनल के बारे में बोल रहा था कि मैं आपसे कोलैबोरेशन करना चाहता हूं पर गूगल क्या किया ऑटोमेटिकली उसको स्पैम में भेज दिया तो मैं अभी बहुत छोटा यूट्यूबर हूं 400 सब्सक्राइबर है पर उसमें क्या जाता है 400 सब्सक्राइबर 400 सौ में सोच भी नहीं सकता था मैं जब चैनल चालू किया था तो एक बात तो ये है और आप सभी लोगों से मिलके मुझे बहुत 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 खुशी हुआ क्योंकि अगर YouTube ना होता तो पता नहीं होता कि आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाते